हेलो बच्चों, आज आपके सामने हम सर्वनाम लेके आए हैं। कल पिछली वीडियो में आपने देखा कि आपको हमने संज्ञा पढ़ाया है। आज सर्वनाम पढ़ाएंगे जो कि हर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप अच्छे से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सर्वनाम क्या है। आइए सबसे पहले देखिए सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले, पिछले वीडियो में आपने देखा संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा वह होता है जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अब यहाँ क्या पूछा गया, सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है, संज्ञा है क्या, नाम, यानी नाम के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो दो शब्दों में आपने जाना संज्ञा क्या है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और यहाँ क्या कहा गया है कि सर्वनाम की संज्ञा के बदले जो हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उनसे, ये सब क्या है, मतलब कि नाम ना लेकर किसी को हम क्या कर रहे हैं, अन्य नामों से, इशारों से बुला रहे हैं। जैसे मैं कौन हूँ, सुनील हूँ। तो सुनील तो कहेंगे नहीं, तो क्या कहा, मैं, तुम्हारा नाम नहीं लिया, हमने क्या कह दिया, तुम। तो मतलब गीता, तो हमने गीता ना बुला के, सीता ना बुलाकर, कविता ना बुलाकर हमने क्या बोला, तुम यहाँ आओ। अब क्या तुम्हारे नाम की जगह हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, बताइए, सर्वनाम। तो आइए हम देखते हैं सर्वनाम है क्या। तो एक ही शब्दों में ज्यादा हम विस्तृत लॉन्ग नहीं जाएंगे। देखिए परिभाषा, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी आपको तुरंत बताया, मैं, तुम, आप, हम, तुम्हें, ये क्या है, ये नाम के बदले हम प्रयोग कर रहे हैं और यही वर्ड जो है सर्वनाम कहलाते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, समझिए इसको, सर्व धन नाम। अब सर्व क्या है, सर्वे, सभी, और सभी क्या, नाम, यानी सभी नाम के बदले जो प्रयोग हम करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब आइए सर्वनाम की परिभाषा आपने जाना, दो शब्दों में आपको जानना है। यदि आपको एक लाइन में उत्तर देना हो तो सीधे आप कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले हम जिसे प्रयोग में लाते हैं, भाई वो कई प्रकार हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, तुम हो सकते हो, वह हो सकते हैं, यानी संज्ञा के बदले जो भी हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा, सर्वनाम की क्या होगी बच्चों, परिभाषा। आइए हम चलते हैं प्रकार की। प्रकार कितने प्रकार, हमने कहा ना कि मैं, मतलब मैं हो गया, तुम, आप, हम, तुम्हें आदि जो है इनको कितने भागों में बांटा गया, इनको कितने भागों में बांटा गया, इसी को हम चलते हैं देखते हैं कि प्रकार, यानी मुख्य रूप से संज्ञा के भेद, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भेद या प्रकार। तो आइए जानते हैं, जैसे आपने देखा था कि संज्ञा, सॉरी बच्चों, ये सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से उतर गया, सर्वनाम। आइए हम देखते हैं सर्वनाम। संज्ञा को आपने देखा कि संज्ञा पांच प्रकार की थी, लेकिन हम आपको क्या पढ़ाने चल रहे हैं, सर्वनाम। तो देखिए यहीं से प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न उठता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो पांच प्रकार। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये छह प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, हर परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बनते हैं कि पहले आपने देखा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, पांच, और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, छह। आइए इन छह प्रकार को हम जानते हैं, अलग अलग जानते हैं कि छह प्रकार में हम क्या पढ़ने चल रहे हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं पुरुषवाचक। ये जो पुरुषवाचक है सर्वनाम, इसे तीन भागों में बांटा गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए देखते हैं उत्तम पुरुष, जैसे उत्तम पुरुष में हम क्या रखते हैं, उत्तम मतलब मैं ही सब सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसे बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो पुरुष होता है उसे कितने भागों में बांटा गया, तीन, तीन भागों में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम यानी मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मध्यम मतलब मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, तुम,
उसके बाद जो हमसे आपसे बचा वो क्या, अन्य, मतलब दूसरा कोई, यानी उत्तम मैं, मध्यम तुम, और इन दोनों से जो बचा अन्य, उसको दे दो, उनको दे दो, ये आया वो आया, ये सब क्या है बेटा, अन्य पुरुष में है। तो मैंने इशारे से बताया कि उत्तम मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष। और दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या है, तुम, तुमसे, तुम्हें, तुम्हारे लिए, ये क्या है, ये आपका मध्यम पुरुष है। लेकिन हम दोनों से जो बचा वो अन्य पुरुष है, जैसे ये आ गए, वो आ गए, उनसे, उन्हें, उनके लिए, ये क्या है, अन्य पुरुष। तो आइए, जैसे इन वर्णों का जहाँ प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले तो यही पूछा जाएगा कि पुरुष, पहले प्रश्न हुआ कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के। फिर प्रश्न उठता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हमने बताया उत्तम में जैसे ये वर्ड आते हैं, मैं, तुम, हम आदि, तो ये उत्तम पुरुष के हैं। लेकिन जहां इन वर्डों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तुमसे, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तो ऐसे वर्डों के लिए जहां हम प्रयोग करते हैं तो वो उत्तम पुरुष के स्थान पर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। लेकिन उन्हीं की जगह पर हम क्या प्रयोग करते हैं बच्चों, ये प्रयोग करते हैं ये, वे, उनसे, उनसे, उन्हें, उनके लिए, उनके लिए, ऐसे वर्डों का जहां हम प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अन्य पुरुष। क्या हो जाएंगे बच्चों, अन्य पुरुष हो जाएंगे। तो ये इनके लिए, और जहां मैं, मेरे लिए, मुझे, ऐसे वर्डों का प्रयोग होगा वहां पे क्या हो जाएंगे बच्चों, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष के लिए मैं, मध्यम पुरुष के लिए तुम, तुम्हें, तुमसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप जानते रहिए पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए दूसरा हम जानते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक वह होता है जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए, यानी जहां अहम हो कि नहीं मैं ही खाऊंगा, नहीं मेरे द्वारा ही ये काम होगा, नहीं ये बुक तो मेरे लिए ही है, ये कपड़े तो मेरे लिए ही सिले गए, जहां ऐसे वर्डों का प्रयोग होता है वहां हम कहते हैं निजवाचक, यानी निजता का प्रयोग हुआ है। निजी, निजी वस्तु वस्तु कहते हैं ना आप, कि मेरा निजी है, तू है, यानी मैं, मेरे लिए ही बना है। तो ऐसे वर्डों का जहाँ प्रयोग हो कि स्वयं या अपने आप, यानी मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम जानते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 वर्ड आते हैं, यह और वह। यह क्या है, यानी निश्चित है कि हम किसको कह रहे हैं, किसी अन्य वस्तु को नहीं कह रहे, बल्कि जो मेरे पास रखी हुई वस्तु है उसे ही हम कह रहे हैं कि यह क्या है, यह, ये नहीं, यह क्या है, वह क्या। अब जो दूर है पास के लिए हम यह कहेंगे, और जो दूर है उसी निश्चित वस्तु को कह रहे हैं कि वह क्या है। और फिर आइए हम प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में जहां कौन, क्या, कैसे वर्ड प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन आया, प्रश्न करते हैं ना, कोई आया तो बोलते हैं कौन आया। फिर आप कहते हैं क्या खाया, फिर आप कहते हैं कैसे लिया, मतलब हो सकता है कुछ आपने लिया हो तो आप प्रश्न, दूसरा प्रश्न कर रहा है कैसे लिया, मतलब ऐसे वर्डों का जहां प्रयोग होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपने प्रश्नवाचक सर्वनाम को अच्छे से समझा कि जहां कौन आया, क्या खाया, क्या लिया, क्या पहना, कैसे आए, आप विद्यालय गए थे वहां से आप कैसे आए,
मतलब ये क्या हो रहा है, सामने से प्रश्न हो रहा है। तो ऐसे वर्डों का जहाँ प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अगला जानते हैं बच्चों कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या है, जो निश्चित ही नहीं है। अभी हमने ना कहा कि यहाँ क्या था, निश्चय वाचक, यहाँ क्या है जो मेरे पास में रखा हुआ, ये है क्या, लेकिन जो दूर है वो क्या है, मतलब मुझे पता है कि जो खड़ा है वो मैं, लेकिन पहचान नहीं रहा हूँ कि वो क्या है, वह क्या है। आइए, लेकिन उसके स्थान पर अनिश्चयवाचक में ये वर्ड प्रयोग होते, कोई कोई आया, मतलब आया है कोई लेकिन मुझे पता नहीं, अनिश्चित कि कोई आया। बेल बजी, डोर खुला, और क्या, मम्मी ने पूछ लिया आपसे कौन आया, तो आप कह रही है कोई आया, मतलब मुझे पता नहीं है। तो जिस चीज का पता नहीं होता, अनिश्चित यानी कुछ, यानी आपने कह दिया ना कुछ, खट कर आवाज आई, आपने कहा, आवाज तो साउंड आपके कान में गया लेकिन आपको पता नहीं है किस चीज का है, तो आपने कह दिया ना कुछ गिरा, अब आपको पता नहीं है क्या गिरा, यानी अनिश्चित है। फिर आपके कब, यानी कहा ना, पूछ लिया मम्मी ने कि मामा जी आए थे, तो आपने कहा क्योंकि आपको पता नहीं है कब आए थे, तो ये अनिश्चित वाचक है। मतलब इन वर्डों का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहां निश्चय नहीं, निश्चित नहीं किया जा पाता, निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है, यानी आपको कुछ भी पता नहीं होता है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक ये जो सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो कहते नहीं है, जो आया है उसे जाना है, जो आया है उसे जाना है, यानी संबंध बन गया। और फिर आप कह रहे हैं सो, जो आया सो गया, जो आया सो गया, मतलब संबंधवाचक है। तो इस प्रकार आपका जो सर्वनाम है वो कितने भागों में बांटा गया है, छह भागों में। आप छह को जानते रहिए मेरे साथ, एक बार बोलेंगे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार जो सर्वनाम है उसकी संख्या कितनी है, छह है। सर्वनाम की संख्या कितनी है, छह है बच्चों, सर्वनाम। अब सर्वनाम की संख्या छह है, आप संज्ञा जानते हैं, संज्ञा को कल हमने पढ़ाया था, संज्ञा में कितने, संज्ञा के कितने भेद थे, तो संज्ञा के पांच भेद थे। अब देखिए दो प्रश्न यहीं से बनता है, पहला आपने कहा संज्ञा, अब संज्ञा कहा ना, तो एक प्रश्न आता है टेट लेवल, सी टेट लेवल का, और ये नाइन्थ टेंथ सिक्स के बच्चों का, और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, क्योंकि हम लोग कभी कभी भूल करते हैं, जो सरल होता है टॉपिक उसका रिवीजन हम लोग नहीं करते हैं, और क्या होता है उन्हीं प्रश्नों में फंस जाते हैं, जब पेपर में बैठते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि सर्वनाम छह है या संज्ञा छह है, तो यहाँ भूल करते हैं, तो इसको भूलना नहीं, आप याद रखना संज्ञा के कितने भेद हैं, पांच। लेकिन हम फिर आज क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं, छह। अब इसको हमेशा माइंड में रखना कि संज्ञा के कितने भेद हैं, पांच, और सर्वनाम के कितने भेद हैं, छह, तभी आप याद कर पाएंगे। कल आपने पांचों पढ़ा था, संज्ञा पांचों पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ाया था, याद है आपको, नहीं याद है, भूल गए, याद रखिए उसे, हमेशा माइंड पे बना के रखिए। कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, कल आप, आज हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए प्रश्न के रूप में छोड़ दे रहे हैं, कल अगले वीडियो में आप हमको बताइएगा। आइए सर्वनाम को जानिए, छह हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। इस प्रकार हम संज्ञा जो प्रश्न है इसके प्रकार को आप पे छोड़ते हैं, आज बता देंगे तो आप फिर सुनेंगे और भूल जाएंगे। ये पांचों प्रकार आप रट लीजिएगा, और उसके बाद सर्वनाम हो सके तो ये छह प्रकार रट लीजिएगा। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।